नमस्कार भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है, तस्वीरें आपके साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आए और नवमी का पर्व, और ऐसे में देखिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ भी कन्या पूजन किया है। चैत्र नवरात्रों के मौके पर इस तरीके से कन्या पूजन हर जगहों पर आम होते हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर रामनवमी पर उत्तर प्रदेश के सीएम और साथ ही कन्या पूजन करते हुए नजर आए। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जब योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन किया है। बच्चियों को चुनरी तक उड़ाते हैं वो इस समय, और साथ ही साथ अब ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक मध्य प्रदेश और दूसरी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। तो मध्य प्रदेश में आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कन्या भोज कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रखे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को किस तरीके से यहाँ पर खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो मुस्कान चेहरे पर आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे। और ये दरअसल खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, और देखिए एक बड़ा मैसेज यहाँ से भी देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज हर जगह जिस तरीके से चैत्र नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है, रामनवमी की धूम दिखाई दे रही है, तो ऐसे में छोटी छोटी बच्चियों को किस तरीके से वो कन्या भोज करा रहे हैं वो तस्वीरें आपके सामने। तो दरअसल ये जानकारी आपको दे दें कि सीएम चैत्र और शारदीय नवरात्रों पर 9 दिनों तक व्रत और पूजा पाठ के साथ में हवन और यज्ञ भी करते हैं, और विधि विधान के पालन के साथ ही नवरात्रि की नवमी के दिन कन्याओं के पांव पखारते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। और आज ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल पहले कन्याओं को तिलक लगाया गया और उसके बाद से कन्या भोज के लिए उन्हें जिस तरीके से आमंत्रित किया गया था, तो ऐसे में सबसे पहले कन्याओं को पूछने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाता है हर साल इसी तरीके से, और साथ ही साथ पांव पखारने के साथ साथ में उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, चुनरी भी उड़ाते हैं कन्याओं को। और चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन इस बार सीएम योगी सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, नवम सिद्धात्री चा, आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण, ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए, ये हमारा संकल्प भी है। मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बेटी बहन के आगे बढ़े बिना प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता, और इसलिए बेटियों का, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीनों काम किए जाने चाहिए। और मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तो कहूंगा मामा के नाते भी, इन तीनों कामों को करने का भरसक सरकार प्रयत्न कर रही है। आज तो मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। प्रदेश की सभी बेटियाँ, सभी बहनें खूब आगे बढ़े। लाडली बहनाओं से मेरा कहना है, आवेदन भरते रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखिए, तो हालांकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है, आज से तस्वीरें पहले भी सामने आई है, और कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान छोटी छोटी बच्चियों में मामा के नाम से मशहूर भी है और कहते हैं ये मेरी भांजियां हैं और प्रदेश में विकास के लिए इनके लिए भी कुछ किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी अस्मित भी जुड़ चुके हैं, इसके साथ मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित पटना से है, मनोज हमारे साथ रांची से है। सबसे पहले अस्मित, आपकी तरफ रुख करूंगी। रामनवमी के मौके पर देश भर में धूम दिखाई दे रही है, पटना में किस तरीके का उत्साह लोगों के बीच में, क्या कार्यक्रम है आज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आज सुबह, क्योंकि रात की बात करें तो रात 2 बजे से ही लंबी कतारें लगी हुई थी। पटना का ये बिहार का कहे तो प्रसिद्ध मंदिर है महावीर मंदिर, और सुबह रात 2 बजे से लंबी कतारें थी, और आज अभी थोड़ी देर पहले आरती हुई है, लेकिन पुष्प वर्षा जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े यहाँ पर जो ड्रोन्स हैं उसके द्वारा जो है पुष्प वर्षा पूरे मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है, क्योंकि जो भक्त भगवान के दर्शन के लिए आए हैं उन्हें पुष्प वर्षा के माध्यम से जो आशीर्वाद के तौर पर ये किया जा रहा है, और लगातार ये किया जा रहा है। देखिए सुबह से ही
जब से यहाँ पर भक्त जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं, तब से ही पुष्प वर्षा लगातार किया जा रहा है। ये ड्रोन के माध्यम से जो है इसमें फूल रखे जाते हैं और फूलों से ही जो है यहाँ पर पूरे मंदिर के ऊपर से पुष्प वर्षा की जाती है और भक्तों के ऊपर ये पुष्प के जो वर्षे हैं वो किए जाते हैं। अभी देखिए ये यहाँ से उड़ाया जाएगा, इसमें फूल भर दिए गए हैं और यहाँ से सीधे तौर पर जो पूरा मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर जाएगा और पूरे ठीक है अश्मित लौटेंगे आपके पास। इस वक्त ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ की और पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। राम की पैड़ी में भक्तों की एक ओर जहां भारी भीड़ नजर आ रही है तो वहीं चैत्र नवरात्रि के मौके पर अक्सर भक्ति भाव में विभोर नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कन्या पूजन के बाद से ये लड्डू गोपाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं जब लड्डू गोपाल को भी पूजते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हर साल चैत्र नवरात्रों और शारदीय नवरात्रों पर पूरे विधि विधान के साथ 9 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ में हवन और यज्ञ भी होता है और सीएम योगी आदित्यनाथ नवमी के मौके पर खासतौर पर अपनी उपस्थिति अक्सर मंदिर में उनकी देखी जाती है और साथ ही नवकन्याओं को वो भोज भी कराते हैं। और इस बार का जिस तरीके से ये खबर सामने आई थी कि 101 कन्याओं को एक साथ भोज कराने की व्यवस्था की गई थी और साथ ही अब ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लड्डू गोपाल की पूजा करते हुए यानी कि बाल कृष्ण अवतार की पूजा करते हुए। और एक और जहां आप गोरखपुर की तस्वीरें देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे अयोध्या से और ये देखिए कि दोनों अलग अलग तस्वीरें, एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि किस तरीके से अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और भगवान राम के दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस वक्त जहां पर अस्थायी रूप से विराजित है रामलला, ऐसे में उनकी ये आखिरी दर्शन इस स्थान पर मिल रहे हैं क्योंकि 2024 से कहा जा रहा है कि रामलला को उनके गर्भगृह में ही उन्हें विराजमान किया जाएगा यानी जो मुख्य मंदिर बन रहा है। और ऐसे में तस्वीरें सामने आ रही है, बेहद अद्भुत ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कन्या पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए किस तरीके से पूजा पाठ में आप व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो आपको बता दें तमाम व्यस्तताओं के बीच में ये तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं। प्रदेश के मुखिया जो कि लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उन व्यस्तताओं के बीच में क्योंकि शारदीय नवरात्र का ये पावन मौका है, दो तस्वीरें आपके सामने। गोरखपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से इससे पहले भी गोरखपुर में जब वो पहुंचते हैं तो गोरखनाथ मंदिर वो ज़रूर जाते हैं और ऐसी हमने तमाम तस्वीरें देखी और इसलिए उनको योगी कहा जाता है क्योंकि वो जो तपस्या और जिस तरीके से वो साधना करते हैं उनका हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमेशा सेट करते हैं। एक तस्वीरें, एक बड़ा संदेश यहाँ से देने की भी कोशिश यहाँ पे की जाती है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का अपना ही एक अलग महत्व है और आज शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र के मौके पर और यही भारत देश की खूबसूरती भी है कि तमाम त्योहारों को पूरे विधि विधान के साथ, पूरी परंपराओं के साथ मनाया जाता है और वही परंपराओं का, वही संस्कृति भारत की, वही संस्कृति इस देश की कि आम लोगों के साथ साथ खास लोग, खास तौर से देखिए प्रदेश के मुखिया जो कि तमाम विस्तताओं के बीच में किस तरीके से पूजा पाठ में भी लीन नजर आए क्योंकि ये मौका ही खास था शारदीय नवरात्र का ये मौका। और इस वक्त देखिए लड्डू गोपाल को भोग लगाया उन्होंने और कितना उत्साह आसपास के लोगों में भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अयोध्या की आपको दिखा रखी है, अयोध्या में राम भक्तों की खासी आज भीड़ है। अयोध्या में आज राम के जो भक्त हैं वो पहुंच रही हैं क्योंकि शिलाएं आ चुकी हैं। अब जिस तरीके से मूर्त रूप यहां पे दिया जाएगा और उसके बाद राम जी को विराजमान किया जाएगा वो भी तस्वीरें बेहद अद्भुत होगी, खास होगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ में लड्डू गोपाल को भोग लगाया, कन्याओं का पूजन किया। और दूसरी तस्वीर अयोध्या से जो कि काफ़ी अद्भुत, दिव्य, भव्य, बड़ी संख्या में राम भक्त वहां पे जुटे हैं, रामलला की पूजा अर्चना हो रही है। देखिए तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ इन तस्वीरों के जरिए हम आपको वो अद्भुत दृश्य भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त कई जगहों पर जहां झांकियां भी निकाली जा रही है अलग अलग राज्यों में तो वहीं ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती है अयोध्या और गोरखपुर की। एक और गोरखपुर में जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे, कन्याओं को भोज कराए, उनके चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति की और ऐसे में उस नौ दुर्गा स्वरूप को जिस तरीके से पूजा जाता है पूरे भारतवर्ष में तो ऐसे में ये अपने आप में बेहद अहम तस्वीर हो जाती है। और कन्याओं को सम्मान देना, देवी के रूप में उनको बिठाना और उसके बाद उनको भोज कराने के साथ साथ में उनका आशीर्वाद लेना
और ऐसे में जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ये संदेश भी एक तरीके से, क्योंकि भारत की जो परंपरा हमेशा से रही है और चली आ रही है, उस परंपरा को कायम रखने का काम मुखिया के हाथों से खुद हो रहा है, और साथ ही ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे में ये भी संकेत और ये भी संदेश देने की कोशिश, जिस तरीके से राम राज्य की स्थापना का जिक्र बार बार आता है, और अब ये तस्वीरें अपने आप में इन मायनों में भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से इन मुद्दों को भी बुनाने की कोशिश की जाती रही है चुनाव के मद्देनजर भी, और साथ ही अगर रामनवमी की बात की जाए तो रामनवमी के मौके पर आपने इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ की देखी होंगी, जब कन्याओं का पूजन करते हुए नजर आए, और अब ये देखिए अलग अलग पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, भुवनेश्वर, भोपाल, अयोध्या, पटना और दिल्ली के तस्वीरें हैं। रामनवमी के मौके पर तमाम मंदिर सजकर तैयार है, भगवान के दर्शन करने के लिए भक्त उनके प्रांगण में पहुंच रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर कोई इस वक्त ललायत नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको पांच अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, तो भुवनेश्वर, भोपाल, अयोध्या, पटना, दिल्ली में खासा उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों में एक तरफ जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है, जन सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। भोपाल की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये मंत्री विश्वास सारंग है, यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और इस पर अधिक जानकारी के साथ रांची से इस वक्त हमारे साथ मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या तस्वीरें इस वक्त रांची में, क्योंकि जगह जगह की बेहद अद्भुत तस्वीरें आज दिन भर से हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कन्याओं का पूजन भी हो रहा है, भगवान राम के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं, रांची में आप तस्वीरें किस प्रकार की देख पा रहे हैं? देखिए, रांची में रामनवमी का उत्साह सुबह 4 बजे से ही है, 4 बजे से ही भक्तों की कतार मंदिरों में लगनी शुरू हो गई थी। सुबह हमने तपोवन मंदिर की तस्वीरें दिखाई थी जहां सारे महावीर यहां खड़ा पहुंचेंगे, शाम को मुख्यमंत्री भी 4 बजे वहां पहुंचेंगे। अभी मैं खड़ा हूं महावीर मंडल हिलू में, आप देख सकते हैं सुबह से भक्तों की यहाँ कतार लगी हुई है, लगातार लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, रामनवमी के इस मौके पर यहाँ पूजा पाठ चल रही है, और रांची के अलग अलग मंडलों से आज अखाड़ा निकलेगा जो कि पूरे शहर में भव्य जुलूस के शक्ल में तपोवन मंदिर जाता है, जहाँ मुख्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ महावीरी पताके सज गए हैं, जिसे लेकर के जुलूस की शक्ल में लोग निकलेंगे, भक्तों का भी तांता लगा हुआ है, लगातार मंदिरों में लोग आ रहे हैं रामनवमी के इस मौके को पूजा करके और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा माहौल भक्तिमय है, पूरे शहर में रामनवमी और महावीर मंडल के जुलूस को लेकर के लोगों में उत्साह दिख रहा है। यानी अब से थोड़ी देर बाद महावीर मंडल के अखाड़े यहाँ हिनू से निकल करके तपोवन मंदिर की तरफ जाएंगे, और शहर के मुख्य मार्गों में विशाल जुलूस निकलता है, जो कि अब थोड़ी देर में उस जुलूस की तैयारियां होंगी, और शाम 4 बजे तक तपोवन मंदिर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इन अखाड़ों की अगुवाई करेंगे। और इस तरीके से कह सकते हैं कि राजधानी रांची का माहौल सुबह से ही भक्तिमय है और राममय हो चला है रामनवमी में। बिल्कुल, सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं देखिए, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये भारत देश की खूबसूरती है कि किस तरीके से हर त्योहार को हर्षोल्लास के साथ और पूरे हम ये कह सकते हैं उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। सीधा अस्मित की तरफ रुख करूंगी, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अस्मित, आप जगह जगह हम देख रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, सब अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, विधि विधान के अनुसार त्योहार को मना रहे हैं, पटना में आखिर ऐसा क्या खास है, किस तरीके से रामनवमी को सेलिब्रेट किया जाएगा? रामनवमी का पावन पर्व है, इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। बासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों पर जगत जननी माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर
अयोध्या में राम जन्मोत्सव श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। हर देव मंदिर में अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्म भूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगत जननी माँ भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक ओर यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि बासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो, ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और इसलिए सरकार के स्तर पर हर उस सात्विक वृत्ति को, सकारात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने का कार्य हमेशा किया जाता है और सरकार उसी कार्यक्रम को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि नवरात्रि के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धालु जनों ने इस पूरे कार्यक्रम में भागीदारी बनकर के देव मंदिरों में, शक्तिपीठों में दर्शन किया और श्री रामनवमी के आयोजन में अयोध्या धाम में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जनों की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि सात्विक और रचनात्मक प्रवृत्ति तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस रचनात्मकता को आगे बढ़ाया गया है, वो एक नए भारत की ताकत है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज पूरा भारत जब एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोलता है, ये भारत की ताकत का एहसास भी कराता है, भारत के सामर्थ्य को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। एक समर्थ भारत, एक शक्तिशाली भारत की ताकत का एहसास यह सब करता है और स्वाभाविक रूप से एक समर्थ भारत के अंदर ही यह संभव हो पाया है कि राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया जा सके जिसमें बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाया जा सके। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता और सरकार के सामर्थ्य को देश और दुनिया ने देखा है और इससे पहले भी अनेक जो कार्यक्रम जनकल्याणकारी प्रारंभ हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वह भी हम सबके सामने है। आपने सबने इस चीज को देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को शौचालय की सुविधा उपलब्ध होना,
हर गरीब परिवार के पास सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध होना, हर गरीब के पास एक स्वस्थ ईंधन की व्यवस्था उज्ज्वला योजना के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, हर गरीब को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो, या फिर संकट के इस समय में हर गरीब को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में। तो सीएम योगी को सुना आपने, लेकिन साथ ही हमारे साथ मनोज इस वक्त जुड़े हुए रांची से। रांची की तस्वीरें तो आप दिखा रहे थे मनोज, लेकिन साथ ही हम समझना चाहेंगे कि ऐसे में रांची में जब तैयारियां होती हैं भव्य तौर पर और रामनवमी का अवसर, ऐसे में कितना बदलाव आपको इन दिनों में नजर आया, क्योंकि कोरोना काल बीता और उसके बाद से क्या परिवर्तन थोड़ा नजर आया है और किस तरीके की तैयारियां भक्तों के लिए मंदिरों में की गई हैं? देखिए, मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई हैं, भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, भक्तों की कतारें सुबह से ही नहीं थम रही है। मैं अभी जिस इलाके में खड़ा हूँ वो हिनू मंडल है और सबसे मुख्य कार्यक्रम जो होता है वो तपोवन मंदिर में होता है, जहाँ अभी भी हजारों हजार की तादाद में श्रद्धालु पंक्तियों में लगे हैं। रही बात कोरोना काल के बाद, तो कोरोना काल के बाद जब से कोरोना खत्म हुआ है मंदिरों में भक्तों की भीड़ पूरी तरीके से उमड़ी है, लोगों का उत्साह पहले से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है, पूरा माहौल भक्तिमय है। आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ लोग कैसे यहाँ आए हैं मंदिर में दर्शन करने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ कुंदन सिंह, मैं हिनू निवासी ही हूँ। तो आज रामनवमी के मौके पर कितना उत्साह है आपके? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, पूरा रांची राममय हो चुका है। आप इस तरह से देखिए किस तरह से मंदिर की सजावट की गई है, इसमें उत्साह झलकता है, इस सजावट में लोगों का उत्साह झलकता है। देखिए यहाँ लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि मंदिरों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लोगों का उत्साह काफी है। तो महावीर अखाड़े तपोवन मंदिर में जाने के समय कैसा माहौल? देखिए ये भक्तों में उत्साह और भक्तों का ये कहना कि पूरा जो माहौल है वो राममय हो चुका है। अस्मित, क्योंकि लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अस्मित क्या खास आज के दिन में, क्या खास तैयारियां रामनवमी के मौके पे, क्या विशेष पटना में रहता है? नहीं देखिए, पटना का महावीर मंदिर क्योंकि रात 2 बजे से ही लगातार भक्त जो है इसी तरह लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं और आप देखिए सामने भगवान का दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भक्त जो है वो लगातार मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और रात 2 बजे की बात हम लगातार इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसकी मुकम्मल तैयारियां की गई थी। यहां के जो प्रबंधक हैं जो पूरे मंदिर प्रांगण को देखते हैं आचार्य किशोर कुणाल, उनका कहना था कि किसी तरह भी भक्तों को कोई तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। जो नवेद्यम यहाँ का प्रसाद रहा है वो जगह जगह पर 14 काउंटर्स उसके बनाए गए हैं, 14 पुजारी जो अयोध्या से आए हैं। चलिए ठीक है, अश्मित और मनोज आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।